पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह नूरपुर में हुए बस हादसे में मृतक बच्चों के परिवारों को सांत्वना देने के लिए नूरपुर गए। प्रत्येक घर में गए वीरभद्र सिंह ने सुबह पंजाब के पठानकोट के अमनदीप अस्पताल में दाखिल घायल बच्चों का हालचाल भी पूछा। उसके बाद वे तुरंत नूरपुर के सिविल अस्पताल पहुंचे, जहां चार बच्चों का उपचार चल रहा है। वीरभद्र सिंह ने नूरपुर के लोक निर्माण विभाग में पत्रकारों के साथ बातचीत करते हुए कहा कि ये दुखद घटना है और सरकार को चाहिए कि इन सभी ब्लैक स्पॉट को चिन्हित करे, उन्होंने शीघ्र अतिशीघ्र ठीक भी करवाया जाए ताकि दोबारा ऐसी दुर्घटना ना हो। उन्होंने कहा कि वो और उनका विधायक बेटा व सभी कांग्रेस नेता, पूर्व मंत्री, विधायक, पूर्व विधायक अपना योगदान देकर उक्त गांव में बच्चों की याद में एक स्मारक बनवाएंगे। उन्होंने कहा कि राजनीति से ऊपर उठकर जो भी सहयोग करना चाहे वे कर सकता है। उन्होंने पहलवान सुशील कुमार के द्वारा अपना गोल्ड मेडल बच्चों को समर्पित करने पर इसके लिए धन्यवाद भी प्रकट किया व गोल्ड मेडल जीतने पर उन्हें बधाई भी दी। नूरपुर के क्षेत्र में बहुत ही हृदय विदारक घटना घटी है। एक बस एक्सीडेंट में 30 विद्यार्थी जो है वो आहत हुए हैं और 4 एडल्ट्स, जिसमें ड्राइवर भी शामिल हैं और 2 और हैं जो जिनकी मृत्यु हुई है। ये बहुत दर्दनाक हादसा है। मैं सुबह से ही सबसे पहले पठानकोट में गया, जहाँ कुछ जो आहत विद्यार्थी हैं वो दाखिल हुए हैं, उनके हाल चाल देखे और मुझे बताया गया कि वो खतरे से बाहर है और उनका इलाज चल रहा है। उसके बाद में जो सरकारी हॉस्पिटल है नूरपुर में, उसका वहाँ गए मैं और मेरे सारे साथी, और वहाँ भी जो आहत थे इन पर टूट के आई थी उनको देखा, और उसके बाद मैं हर परिवार के अंदर मैंने सुबह से अभी तक उनका दौरा किया। हर परिवार में हम गए, सब अपनी संवेदना प्रकट की, उनसे बातचीत की और वो बहुत आहत है और सभी, और एक बात कॉमन भी मैंने पाई कि सब छात्रों से मुझे कहा कि इतने बच्चे एक क्षेत्र के मरे हैं, उनका एक सम्मान बनना चाहिए, एक यादगार बननी चाहिए। हमने फैसला किया है, हमें मैंने व्यक्तिगत रूप से और मेरे हमारे जितने कांग्रेस के साथी हैं कांग्रेस जिले के, हमने फैसला किया है कि हम मिलकर ऐसे समाज को बनाएंगे। इसमें मेरा बेटा जो MLA है वो भी इसमें अपना योगदान देगा, हमें भी योगदान देगा। हमने उस बात को स्वीकार किया तो समझते हैं कि हम लोग इकट्ठे मिलकर एक अच्छा समाज बनाने के लिए सक्षम है, किया जाएगा। हर चीज़ के लिए किसी को दूसरे को देखना या सरकार पर निर्भर करना भी ठीक नहीं रहता, फिर भी हमने किया। और मैं हम प्रशासन और हमारे बीच में कोई डिफरेंस और ओपिनियन नहीं है।